अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपकी लैपटॉप स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पे मल्टी स्क्रीन्स आ रही हैं, मल्टी विंडोज़ आ रही है, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो बहुत ही आसान है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ ये ड्राइवर्स का, ग्राफिकल ड्राइवर्स का इशू होता है। सो सिंपली आप, मेरी अभी स्क्रीन बिल्कुल ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने रिसेंटली सही की अभी। तो आप सीधा सिर्फ कंट्रोल पैनल में जाएँ, कंट्रोल पैनल ओपन करें, और ओपन करने के बाद हार्डवेयर एंड साउंड, और उसके बाद डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद डिस्प्ले एडाप्टर, इसको डबल क्लिक करें। मेरे पास AMD रेडियन का भी एक ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो आप उसको, अगर आपके पास लगा हुआ है तो उसको मत छीड़िएगा। सिंपली आप जो इंटेल ग्राफिक आपके ड्राइवर्स रहे हैं वहाँ पर, उधर राइट क्लिक करके वहाँ पर कीजिएगा डिसेबल डिवाइस करें। अगर आपके पास अनइंस्टॉल ड्राइवर्स ऑप्शन आ रहा हो तो उसको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही ये अनइंस्टॉल हो जाएंगे ड्राइवर, अगर आपके ड्राइवर्स अनइंस्टॉल हो जाएंगे तो वहाँ पे जब प्रोसेस कर लेगा वो, प्रोसेस करने के बाद वहाँ पे लिखा आएगा कि रीस्टार्ट योर पीसी, तो आप उस वक्त क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जब आप रीस्टार्ट हो जाएगा आपका लैपटॉप या पीसी, तो बिल्कुल ऐसी सिंपल एक जो सिंगल स्क्रीन आ जाएगी। शुक्रिया।